दोस्तों महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र में प्लास्टिक बैन कर दी है। इसी रूल को फॉलो करते हुए सभी ई कॉमर्स कंपनीज भी अपने प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड सभी सेलर्स को ईमेल के थ्रू नोटिफाई कर रही हैं कि अब से जब भी किसी सेलर को महाराष्ट्र के किसी कस्टमर का ऑर्डर रिसीव होगा तो उन्हें पैकिंग करते वक्त प्लास्टिक पॉलीबैग का यूज नहीं करना है और ग्रीन पैकेजिंग का यूज करना है। तो आज हम इस वीडियो में ग्रीन पैकेजिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, तो इसे जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आपको कुछ दिन पहले Flipkart की तरफ से एक ईमेल रिसीव हुआ होगा जिस ईमेल का सब्जेक्ट था यू कैन नो लॉन्गर यूज प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल फॉर ऑर्डर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम और शेड्यूल्ड फॉर और पासिंग थ्रू महाराष्ट्र। इस मेल में फ्लिपकार्ट ने सेलर को क्लियरली मेंशन कर दिया है कि सेलर को ऑर्डर पैकिंग करते वक्त प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल का यूज नहीं करना है। उन ऑर्डर्स के लिए जो ऑर्डर महाराष्ट्र से ओरिजिनेट हो रहे हैं, महाराष्ट्र के लिए शेड्यूल्ड है या फिर महाराष्ट्र से पास हो रहे हैं, और उन्हें उसकी बजाय ग्रीन पैकेजिंग का यूज करना है। अब ग्रीन पैकेजिंग का मतलब क्या है? तो ग्रीन पैकेजिंग का मतलब ये है कि आपको पैकिंग करते वक्त ऐसा पैकेजिंग मटेरियल यूज करना है जिसमें थर्मोकोल या फिर प्लास्टिक का यूज ना हो। और फ्लिपकार्ट के इसी मेल में उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि ये बैन सिर्फ सेकेंडरी पैकेजिंग पर ही एप्लीकेबल है। सेकेंडरी पैकेजिंग का ऑनलाइन सेलिंग में मतलब वही पैकेजिंग है जो सेलर्स प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉजिस्टिक्स पर्पस के लिए यूज करते हैं, यानी कि जैसे वो प्रोडक्ट के ऊपर कार्टून बॉक्सेस और प्लास्टिक पॉलीबैग चढ़ाते हैं तो वही सेकेंडरी पैकेजिंग का पार्ट होता है। तो अब सेकेंडरी पैकेजिंग में आप प्लास्टिक पॉलीबैग का यूज नहीं कर सकते महाराष्ट्र के ऑर्डर्स के लिए। ग्रीन पैकेजिंग या फिर कॉम्प्लायंट पैकेजिंग में आप प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक पाउचेस, बबल रैप और थर्मोकोल फिलर्स का यूज नहीं कर सकते। आप यूज कर सकते हैं कार्टून बॉक्सेस का, टेप्स का, पेपर फिलर्स का और पेपर बैग्स का। शुरुआत में जब ये प्लास्टिक बैन इम्प्लीमेंट हुआ था तो सभी सेलर्स के लिए काफी चैलेंजिंग था, क्योंकि ऑर्डर पैक करते वक्त सेलर सिर्फ यही देखता है कि उसे कौन सा प्रोडक्ट पैक करना है और उसकी कितनी क्वांटिटी है, वो ये नहीं देखता कि वो कौन सी स्टेट के लिए शिप होना है। तो इस वजह से शुरुआत में सेलर्स गलती कर देते थे कि महाराष्ट्र के ऑर्डर में भी प्लास्टिक पॉलीबैग का यूज कर देते थे। लेकिन अब कुछ दिन पहले से ही फ्लिपकार्ट ने एक बहुत ही बढ़िया फीचर ला दिया है जिससे लेबल जब वो प्रिंट करते हैं ऑर्डर का तो उसी में मेंशन होता है कि नो प्लास्टिक पैकिंग, मतलब जो भी महाराष्ट्र का ऑर्डर होता है उस लेबल पर ही लिखा होता है नो प्लास्टिक पैकेजिंग और ये सिंबल बना होता है। तो इससे सेलर्स को पैक करते वक्त बहुत ही आसानी हो जाती है और जब भी नो प्लास्टिक पैकिंग का वो टैग देखते हैं तो उस ऑर्डर को वो प्लास्टिक पैकेजिंग में पैक नहीं करते और कार्टून बॉक्सेस में या पेपर बैग में ही पैक करते हैं। और अभी रिसेंटली जो फ्लिपकार्ट की तरफ से मेल रिसीव हुआ है उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि 4 अगस्त के बाद से वो इस रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे और उन्होंने पिकअप बॉयज को भी बोल दिया है कि उन्हें सेलर के यहाँ से ऐसे ऑर्डर का पिकअप नहीं करना है जिन ऑर्डर्स के लेबल्स पर नो प्लास्टिक पैकिंग लिखा हो और सेलर्स ने वो ऑर्डर प्लास्टिक पॉलीबैग में पैक कर रखा हो। अभी अमेजन की तरफ से हाल फिलहाल में इसको लेकर कोई मेल नहीं आया है, लेकिन उन्होंने भी कुछ महीने पहले सेलर्स को एक मेल भेजा था जिसमें उन्होंने मेंशन किया था कि सेलर को महाराष्ट्र के ऑर्डर्स के लिए प्लास्टिक पॉलीबैग का यूज नहीं करना है और सेलर धीरे धीरे अल्टरनेट पैकिंग मटेरियल का यूज करे जब भी कोई महाराष्ट्र का ऑर्डर आए। लेकिन अभी अमेजन ने इसे स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया है, लेकिन जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पॉलीथिन बैन कर दी है तो फिर अमेजन भी बहुत ही जल्द इसे स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट कर देगी। फ्रेंड्स, मैं भी एक सेलर हूँ और मुझे पता है कि टेम्पर प्रूफ प्लास्टिक पॉलीबैग बहुत ही बढ़िया पैकिंग मटेरियल है जो आपकी प्रोडक्ट की सिक्योरिटी बहुत बढ़ा देता है और उतना इफेक्टिव अल्टरनेट पैकिंग मटेरियल कोई हो नहीं सकता। लेकिन हमें रूल तो फॉलो करना ही है, तो अब आपको जब भी महाराष्ट्र का ऑर्डर रिसीव हो तो अब आपको उसे पैक करते वक्त कार्टून बॉक्स में या फिर पेपर बैग में ही पैक करना है। अगर आपके प्रोडक्ट का वेट और थिकनेस ज्यादा है तब तो आप कार्टून बॉक्सेस का यूज कीजिए, लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट का वेट और थिकनेस कम है तब आप पेपर बैग का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बस इस वीडियो में इतना ही। मुझे आपको ग्रीन पैकेजिंग के बारे में बताना था वो मैंने बता दिया। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आप फिलहाल ग्रीन पैकेजिंग का यूज कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे महाराष्ट्र के ऑर्डर्स के लिए। अगर आपको कोई और भी डाउट है तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूँ। थैंक यू।